आज हमारे जो करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, तो सबसे पहले सबको मुबारक देना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। आज के दिन यहां पे भद्रवाह की जो सिविल सोसाइटी है, भद्रवाह के जो जितने भी हमारे एनजीओज हैं, भद्रवाह में जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चों की पार्टिसिपेशन, और ख़ास करके जो भी एक्स सर्विस मैन ऑर्गेनाइजेशन है भद्रवाह में, और साथ में हमारी इंडियन आर्मी जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इनकी पार्टिसिपेशन से आज यहाँ पे हमारी 25वीं कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ये सबसे बड़ी एक मोटिवेशन है हमारे लोगों के लिए, हमारे यूथ्स के लिए, कि जब जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आई है हमारे देश पे, हमारी भारतीय सेना ने बढ़ चढ़ करके मुकाबला किया है, उनको धूल चटाई है। तो आज ही के दिन मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, और जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। कारगिल वार की आज 25वीं वर्षी है, जिसको सिल्वर जुबली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हमारे बहादुर फौजियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जितनी भी चोटियां पाकिस्तान के कब्जे में थी, तो वो चोटियों को फतह करके ये हमारा राष्ट्रीय झंडा जो लास्ट में टाइगर हिल बचती थी वहां पर अपना झंडा लगाया, और आज भी हमने शेरी बाजार में अपना झंडा लगाया है। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि कारगिल में कितने हमारे साथियों ने अपनी शहादत दी और कितने लोग वहां पर जख्मी हुए। बाजार में अपनी रैली निकाली गई और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, कारगिल के शहीद अमर रहे, और ये जो अपने डोडा के शहीद अमर रहे, यही नारे इसमें से घोषित किए। कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में एक बटालियन को भेजा जाता है टाइगर हिल के ऊपर, वहां पे उन्होंने अपना वीर साहस और पराक्रम दिखाकर, अपना बलिदान देकर, अपनी जो जान गवाई और हमारे उस टाइगर हिल को उन पाकिस्तानियों के चंगुल से स्वतंत्र कराया, उसी उपलक्ष पर आज हम ये कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज हम शहीदी दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हैं। हमें यहाँ पे पता चला है कि कारगिल दिवस जो मनाया जा रहा है यहाँ पे, ये 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के 527 जवान शहीद हुए थे, और आज उसी के उपलक्ष पर हम यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आए। आज कारगिल दिवस के उपलक्ष पर यहाँ पे आकर हमने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, और जो 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, उसमें इंडिया ने विजय पाकर हमारे देश को आज़ाद करवाया था, और ये मई से लेकर जुलाई तक जो है वॉर चली थी, और इसमें 523 शहीद हुए थे हमारे देश के जवान, और अब हमें विजय पाकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज।